शासन द्वारा ग्रामीण विकास के लिए जारी किए जाने वाले 15वें वित्त की राशि के वितरण में असमानता को लेकर महासमुंद जिले के सरायपाली जनपद क्षेत्र के कांग्रेसी जनपद सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है और आवंटन को रद्द करने की मांग की है। शासन द्वारा ग्रामीण विकास के लिए जारी किए जाने वाले 15वें वित्त की राशि के वितरण में असमानता को लेकर महासमुंद जिले के सरायपाली जनपद क्षेत्र के कांग्रेसी जनपद सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है। जनपद पंचायत सीओ को दिए हस्ताक्षर युक्त लिखित ज्ञापन में जनपद सदस्यों ने उल्लेख किया है कि शासन द्वारा ग्रामीण विकास के लिए 15वें वित्त की राशि भेजी जाती है, लेकिन सरायपाली जनपद पंचायत में भाजपा सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण वह अपनी मनमानी करते हुए कांग्रेसी जनपद सदस्यों के क्षेत्र में कम आवंटन दे रहे हैं तथा ग्राम पंचायतों के हिसाब से बराबर वितरण नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों के विकास कराने में परेशानी आ सकती है। कांग्रेसी जनपद सदस्यों का आरोप है कि 15वें वित्त की राशि वितरण में समानता नहीं होने से ग्रामीण विकास कार्य कैसे होगा। वहीं 15वें वित्त की राशि जो शासन से प्राप्त हुई है उसका सभी जनपद क्षेत्रों में समान रूप से वितरण किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर सरायपाली जनपद सीओ डॉक्टर स्निग्धा तिवारी को सौंपा गया और उनसे बराबर जनपद सदस्यों को राशि वितरण करने की मांग की गई है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, जनपद पंचायत सरायपाली की आज बैठक आहूत की गई थी, जिसमें भाजपा समर्थित सदस्यों द्वारा फैसला लिया गया है, भाजपा के ही सदस्यों द्वारा फैसला लिया गया है कि अपने सदस्यों को बंटवारा 7.5 से 8 लाख रुपए दिया जाएगा एवं कांग्रेस सदस्यों को 3 लाख के आसपास का बंटवारा दिया जाएगा, जो कि नियमानुसार नहीं है। इसका निरस्त करने के लिए हम कलेक्टर महोदय से, मंत्री जी से बात हो गई है, कल मुलाकात होगी उनसे और उनसे भी आग्रह करेंगे इसमें जल्द हस्तक्षेप कर कार्रवाई करने का कष्ट करें। शासन द्वारा विकास कार्य के लिए राशि आवंटन की जाती है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि पार्टी लेवल पे इसका बंटवारा किया गया, तो क्या ये गलत नहीं है? नहीं, ये उचित नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है, नियमानुसार भी ये गलत है। इसके लिए हम कार्रवाई के लिए भी कलेक्टर महोदय से एवं जो भी सक्षम अधिकारी है उनसे बात करेंगे और आवेदन देंगे उनसे। यहाँ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जितने सभापति लोग हैं अपने 15वां वित्त की राशि का मनमानी बंटवारा किए हैं, हमारे विपक्ष वालों को कम दिए हैं, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय अपने में अपने राशि में 50 लाख रखी है और उपाध्यक्ष 30 लाख और जितने सभापति लोग हैं 8-8 लाख और हमको 3 लाख दिए हैं। हम विपक्ष में हैं इसलिए हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, जो अशोभनीय है, निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ये नियमानुसार ये आवंटन नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग पूरा बंटवारा चाहते हैं। तो आप लोगों ने सीओ मैडम को जब आवेदन दिया, ज्ञापन दिया, तो उनका क्या कहना है? सीओ मैडम बोल रही हैं कि ये उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता, वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तभी आप लोग आगे क्या करने की सोच रहे हैं? हम आगे कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, SDM के पास हर काम करने को तैयार, अपने मांग के लिए, अपने हक के लिए हम आगे जाएंगे और सब लड़ के दिखाएंगे। ये तो बहुत हेरा फेरी हो रहा है, जो देखा जा रहा है कि राशि का आवंटन बराबर तरीके से न करके बहुत ऊंच नीच हो रहा है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ज़्यादा, उसके बाद सभापति, उसके बाद फिर हम सदस्य। कितना आवंटन आया है? हमारे में बस 3-3 लाख आ रहा है, जिसके लिए हमारे क्षेत्र में विकास कुछ नहीं हो सकता। उसी विकास काम के लिए उनको 4-4 लाख दिया जाएगा और हमको 75-75 हज़ार बोल रहे हैं, क्या यह संभव है? तो क्या आपको लगता है जो आवंटन हुआ है वो नियम विरुद्ध है? हाँ। तो आप लोगों ने क्या बोला है? हम तो बोले कि ऐसे नहीं संभव हो सकता, तो उन लोग बोले कि नहीं, ये बहुमत के आधार पर ही करेंगे। क्या बहुमत से पारित किया गया है? नहीं किया गया है, ऐसे हमको लिखित में कोई आवेदन नहीं मिला है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग को प्रशासन से निवेदन है कि वो हमारे साथ सही न्याय करे और हमारे जनता लोगों के साथ भी विकास के काम में हमारा सहयोग करे। तो आप लोगों ने सीओ मैडम को ज्ञापन दिया, तो सीओ मैडम ने क्या कहा? ये मेरे अधिकार क्षेत्र से नहीं है, बोलती है बार बार। तो जैसे सीओ मैडम ने बोल दिया कि उनका अधिकार नहीं है, तो अभी आप लोग आगे क्या सोच रहे हैं? हम लोग आगे प्रशासन, सभी कलेक्टर महोदय, मंत्री जी
तक जाने का प्रयास करेंगे और हमारी मांग पूरा करने का पूरा अनुरोध करेंगे। सराईपाली से किशोर गर्ग की रिपोर्ट, एसी एड।